इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट। घर में चिकन करी बनी थी, वो जब घर पहुंचा तब चिकन करी खत्म हो चुकी थी। ऐसे में उसने आपा खो दिया और गुस्से में आकर अपने ही बेटे की पीट पीट कर जान ले ली। ये रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात कर्नाटक में घटी है, जहां एक चिकन करी डिश हत्या की वजह बन गई। मर्डर करने की कोई वजह सही नहीं हो सकती, लेकिन आजकल लोग गुस्से में आपा खोकर छोटी छोटी बातों पर हत्या जैसी वारदात को अंजाम दे रहे हैं। कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले का है, जहां एक पिता ने अपने 32 साल के बेटी की हत्या महज इसलिए कर दी क्योंकि घर में खाने में चिकन करी बनी और उसके घर पहुंचने तक वो खत्म हो। आइए बताते हैं कि कैसे एक चिकन करी को लेकर शुरू हुआ विवाद हत्या तक पहुंच गया। घटना कन्नड़ जिले के बुट्टीगर में हुई है। यहाँ रहने वाले शीना नाम के शख्स के घर में चिकन करी बनी थी, लेकिन जब तक वो घर पहुंचा तब तक चिकन खत्म हो चुका था, जिसकी वजह से उसका अपने बेटे शिवराम से विवाद हो गया। झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया कि उसने बेटे को डंडे से पीटना शुरू कर दिया। लोगों के रोकने पर भी वो नहीं माना। उसके ऊपर खून सवार था और वो बेटे को बुरी तरह पीटता रहा, जिससे बेटे की मौके पर ही मौत हो गई। इस वारदात के बारे में जानकारी मिलने के बाद स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और जायजा लिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है और उनसे पूछताछ कर मामले की जांच में जुटी है। बता दें, वारदात से इलाके में दहशत का माहौल है। लोगों को यकीन नहीं हो रहा कि महज खाने को लेकर पिता ने अपने जवान बेटे को भी मार डाला। जुर्म कितना भी संगीन क्यों ना हो, अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, हर रात से उठेगा पर्दा, सामने आएगी हर खबर की सच्चाई। इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट पर क्राइम की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट चैनल YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना न भूलें। सावधान रहें, सुरक्षित रहें, देखते रहें इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट।